नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार राय बिहारी न्यूज से। आज हमारी स्पेशल रिपोर्ट श्रावण के महीने पर और इस महीने में शिव को आप कैसे प्रसन्न कर सकते हैं। 17 जुलाई से श्रावण आरंभ हो चुका है। श्रावण मतलब हमारे भोलेनाथ का महीना, एक ऐसे देवता जिनको प्रसन्न करना एवं उनको क्रोधित करना दोनों ही बहुत आसान है। शिव को भोलेनाथ कहते हैं क्योंकि वो भक्तों के बहुत करीब होते हैं। वो सब पे अपनी कृपा बनाते हैं, कुछ मंत्र और कुछ विधियां जिनसे आप भोलेनाथ का आशीर्वाद पा सकते हैं। मंदिरों में भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी है, अब सब अपने तरीकों से भोलेनाथ की पूजा में लग चुके हैं। श्रावण माह में ही शिव ने अमृत मंथन से जो विष निकला था उसे ग्रहण किया था। फिर शांत करने के लिए उन्होंने अपने पास चंद्रमा को धारण किया और इंद्र ने वर्षा करवाकर उनके तन के तापमान को कम किया। ये महीना शिव की पूजा अर्चना का है। शिव जो देवता हैं सृजन के, कुछ तरीके एवं मंत्र जिनसे शिव प्रसन्न होते हैं। पहला, सावन में रोज 21 बिल पत्रों पर चंदन से ओम नमः शिवाय लिखकर शिवलिंग पर चढ़ाएं। इससे आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो सकती हैं। दूसरा, अगर घरेलू परेशानियां हैं, पारिवारिक कलह इत्यादि के निदान के लिए सावन में रोज सुबह घर में गौमूत्र का छिड़काव करें तथा गुगुल की धूप दें। अगर घरेलू परेशानियां या विवाह में अड़चन आ रही है तो सावन में रोज शिवलिंग पर केसर मिला हुआ दूध चढ़ाएं। इससे शीघ्र विवाह के योग बन सकते हैं। तो चौथा, सावन में रोज नंदी यानी बैल को हरा चारा खिलाएं। इससे जीवन में सुख समृद्धि आएगी और मन प्रसन्न रहेगा। सावन में गरीबों को भोजन कराएं, इससे आपके घर में कभी अन्न की कमी नहीं होगी तथा पितरों की आत्मा को शांति मिलेगी। सावन में रोज सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निपटकर समीप स्थित किसी शिव मंदिर में जाएं और भगवान शिव को जल से अभिषेक करें और इन्हें काल तिल अर्पण करें। इसके बाद मंदिर में कुछ देर बैठकर मन ही मन ओम नमः शिवाय का मंत्र जाप करें। इससे मन को शांति मिलेगी। सावन में किसी नदी या तालाब जाकर आटे की गोलियां मछलियों को खिलाएं। जब ये काम करें मन ही मन भगवान शिव का ध्यान करें। ये धन प्राप्ति का बहुत ही सरल उपाय है। कुछ मंत्र जिनके उच्चारण से आप शिव को प्रसन्न कर सकते हैं। इन बहुत ही आसान मंत्रों से आप शिव कृपा को पा सकते हैं। ओम नमः शिवाय, ओम पार्वती पतये नमः। इन मंत्रों एवं तरीकों से भोलेनाथ का आशीर्वाद पाएं और बोलें जय भोलेनाथ। तो ये हमारी रिपोर्ट थी, धन्यवाद। आपको भी इस श्रावण के माह की शुभकामनाएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप हमारे इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो प्लीज़ इसे शेयर करें। धन्यवाद।